सुबह सुबह जो है माँ जी की तबीयत खराब हो गई अचानक। पूछ तो लिया पता नहीं भैया, आप कुछ आए परे 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 आए सफेद ठंडा है पानी। और ठीक है सर, आज सुबह जो है माँ जी के साथ यहाँ पे बहुत बड़ा भूत आ गया था हमारे यहाँ। माँ जी डर गई थी अभी अभी। भूतिया तो कहा जाएगा ना, से नहीं। सुबह सुबह जो है माँ जी टॉयलेट गई थी यहाँ से, तो माँ जी को लगा कि कोई आ रहा है रोड में। और फिर आए माता जी की। हाँ लेकिन वो चीज दिखाई के बाद थोड़ी देर में इनके अंदर से भड़बड़ाहट संपन्न नया हुई गई। फिर सांस रुके लागी, सांस भरे लागी, चिल्ला शुरू हो लागी। देखे के बाद पूछा ना कि पहले तो नहीं भाग, जब तुम टच्ची हुई क्या यू देखो हल्का, तो उसके बाद ही हुआ है ना। बाद हुआ आज बेबसी का। पापा जी चाय बना के ला रहे। आज ये बेबसी का है, वो तैयार झरवा ले, झरवा फुकवा लेना। अच्छा तरपुल ले जाएंगे तो मशीन में चेकअप करवाएं माँ जी का पूरा। मशीन वाला बीमारी डॉक्टर का अलग हिसाब रहता है। इतने सारे आदमी सुबह सुबह यहीं वाले हैं, मुखिया जी का यहीं पास में खेत है। और ये ज्वाला भैया जो है रोज डेली सुबह आते हैं माता जी की पूजा करने, और ये भैया अपना खेत ताकने, वो सरपाल जी हैं। सब पास के ही गांव, यहाँ बहुत जानवर आते हैं, जानवर से लोग परेशान हैं। तो जानवर ताकते हैं आप ये लोग, जानवर ताकते हैं। हमारा घर है और माँ जी की सुबह सुबह तो हो गई तबीयत खराब। माँ जी कह रही हैं कि घर में तुलसी घड़ा का पेड़ है, वो उसमें पानी नहीं डालते हैं, कभी उसको सूखने नहीं दिया जाता। हमारी गलतियों से सूख गया तो हमारे हमको तो दुख मिलेगा उसमें। तो मैं जाऊँ क्यों? नहीं, पर वो हरे भरे हैं वहाँ पर, पानी रोज डाल के आओ। ठीक है माँ जी। तो माँ जी की तबीयत अब ठीक है और माँ जी खा रहे हैं केवी फल। ये खाओगी तो एक आपको कैसे ना कैसे करके खा लेना, खट्टा बहुत होगा। चलो खाओ। ठीक, पहले हमारे शरीर में खून तेजी तेजी से हमको लगा कि भाग रहा है, दर्द उठा शरीर में, तो हम उठ के बैठ गए अचानक से और हाथ फटकारे दो। फिर हम 10-15 मिनट बैठे रहे, फिर बैठे के बाद वहाँ गए टट्टी और वहाँ से आए तो हमारा। और गलत जगह टॉयलेट भी चले गए थे, जो है इस तरफ थेरापति खिरवाइंदाई का स्थान है वहाँ पर, तो वहाँ उसके सामने वहाँ पे सुबह 4 बजे कोई और कभी मतलब टॉयलेट बाथरूम वहाँ पे ना करे। कौन खिरवाइंदाई? थेरापति है, महेश्वरी दाई है, मरही दाई है, मसान बाबा, ठाकुर बाबा, ये इस तरफ हमारे यहाँ। हाँ, सब देवता स्थान है। हाँ रुको, मैं चाकू प्लेट लेके आता हूँ, फैमिली से जब तक बात कर लो आप। अरे फैमिली खुश रहो तुम लोग, आज हम तो मरते ही बच गए। हमारी आज लग रहा था कि जान निकल गई, हम सोच रहे हैं कि कुछ दिन अभी और जिए, हमारे लड़कों बच्चों की शादी हो जाए, सभी लोगों को अपने अपने घर द्वार अपने अपने सही से रहने लगे, फिर टेंशन नहीं है। अभी हमारा बहुत ज़्यादा जी घबरा गया था, इसलिए हमको एकदम से रोना रोना आता, दिमाग हमारा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, को लग रहा था कि आज मर ही गए। सही है। अरे तब फिर हम देखो, मैं बताऊं माँ जी, ऐसा नहीं सोच जाता है, कुछ चीजें होती हैं धरती में, मरना तो सबको है, कहाँ मरेगा। और भाई ये बोले ना, नहीं करते नहीं कुछ,
कहे इतने बड़ा पानी पानी एक आधा कह पाई हो बोले ना नहीं करते अब मारे तेजी की है वो चिल्लात रही है ना वो चिल्लाए में मोर जाना बची है चिल्लात रही हूँ मैं उठ के बैठी रही हूँ जब चिल्लात रही हूँ भैया भैया तेजी से तब आ मोर सांस को निकल आज मैं बंद हुई जहाँ चिल्लात सब बिल्कुल मोर घबराहटा वो हन के आ जाता है क्या हो जाता है क्या नहीं भैया चेकअप करवाएंगे छतरपुर चल के छतरपुर चल के माँ जी आपका पूरा शरीर का एक बार चेकअप हो नहीं ऐसा तो ले नहीं करता है तो हम डरते हैं चीर फाड़ नहीं करेगा वो आपका क्या करेगा कि मशीन में चेक कर लेगा ब्लड चेक कर देगा अंदर की बीमारियों के बारे में चेक करके पूरा पता चल जाएगा क्योंकि आपने गुटखा उटका शायद खाते हो शरीर में कोई तकलीफ आ गई हो शरीर है जो इंजन होता है पूरा चेकअप हो जाएगा तो हमको यकीन हो गया कि हमारा कोई चीज अंदर का खराब नहीं है कुछ टेंशन नहीं है फिर बाहर की चीजों को पता किया जाता है फिर हम क्या करते हैं बालाजी सरकार की पूजा की जाती है तो सब ठीक हो जाता है ये बाहर की चीजों का नहीं एक बार एक पापा से भी बात हमने पिछली साल की थी हमने कहा चलो एक बार हमारा सोते हुए छाती धड़कता है हाथ पैर धड़कते हैं तेजी से मेंड की नसें भागती हैं सोते में हमारे मेंड की तेजी से नसें जब हमको तबीयत हमारा खराब होने का वो आएगा तो पूरा हमारा मेंड का नस भागता है तो हमने एक बार पिछले साल की कहा था पापा से कि चलो अच्छा अच्छा आप ये बताइए माँ जी तो वो हमने जड़ी बूटी पापा ने देने शुरू कर दी वो जड़ी बूटी तो जड़ी बूटी से हमको आराम लग जाता था इसलिए नहीं हम चंदला एक साल से गए हैं नहीं बोतल उतल चढ़वा आते थे नहीं हमको बहुत तेजी से गुस्सा भी आ जाता पर हम अपने आप को संभाल लेते हैं कि हमारी कहीं तबीयत ना खराब खाओ देखो बताऊं कैसे खाया जाता है खट्टा होगा एक बार बहुत का माता रहा हाँ मुखिया कहते कि तबीयत गड़बड़ हो गया है सही हो गया भैया सही हो गई है चलो ठीक सही बस खाओ चेकअप करवाने के लिए कहते हो तो इसमें ठीक हो जाएगा पता चल जाएगा हमको भरोसा नहीं है दवाई को इसलिए कि हमको लगता है जब तक हमको जीना है हमारा मन बोल रहा है जब तक हमको जीना है और बाकी हमको कोई बचा नहीं सकता हमको ये लग रहा है अपने आप में तो बचा नहीं सकता तो माते हम कुछ नहीं कर सकते हैं आप जब तक जिए बड़ी खुशी आनंद से जिए हमारा बहुत दिन से मन बोल रहा है हमको पता भी है बड़ी अच्छे से जिए पृथ्वी में और हमें आशीर्वाद हम छोटे मोटे हमको हमें पता है हमको लगता है कि जाए इलाज कराने पर छोटे मोटे इलाजों से हमारा ठीक नहीं होता एक साल जब तुम बाहर चले गए थे तो बड़ा इलाज करवाते है ना किडनी फेफड़ा खराब हो गया है क्या नहीं किडनी फेफड़ा नहीं खराब हो गया बताओ ना एक बार जब तुम वहाँ गए थे कहाँ गए थे तबीयत हमारा खराब हुआ हमने इतनी दवाई करवाई कि ना ही हमारा माइंड सही हो रहा था और ना ही हमारे दवाई से कोई पर फिर भी हमको देसी दवाई उस समय बचाया ठीक है इसीलिए हम देसी दवाई अचानक से तबीयत खराब होने हमको पता चलता है कि हमारी खराब है तो हम दवाई चेकअप करवाना चाहिए हमारा तो काम यही है हमारा तो काम यही है कि आपका चेकअप करवाएं और फिर तंत्र मध्य बैलेंस हो जाए अपने आप में बता रही हूँ चेकअप करवा लेना चाहिए शरीर की हड्डियां हैं पता चल जाएगा फेफड़ा खराब कुछ खराब तो नहीं हो गया इंजन है भाई सर्विसिंग हो जाएगी एक बार कोई सिरप दे देगा सब साफ हो जाएगा सब आपको बता देगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो कमियां बता देगा कि किस चीज की कमियां हैं चलो चलते हैं देखवा ले सर हमारी अभी बहुत ज्यादा जिंदगी है शायद बच गए शायद कोई ऐसा सिरप वीरप दे दिया बच जाओगे ये साफ हो जाए बच जाने हमको तो नहीं लगता है कि हम भारी दिन की इसलिए जब आदमी कमजोर होता जाता है जब उसकी बीमारियां उखलती है अभी जब तक हमारे दम है अभी देख लो तब पता चलता है कि भाई इसको हाँ कुछ अभी देख लेते हैं शायद कोनो ऐसी सी जब दवाई डॉक्टर दे दे और खा पी ले ठीक हो जाए बढ़िया स्वाद है ना हम तो जान जाएंगे तुरंत कि हमको ये दवाई में आराम लग गया उस दिन
सोते ही समय हमारा होता है, पर भगवान की दया से ये बहुत भयानक ये दख्त हो गया। मान लो ऐसी तबीयत को हम नहीं मानते थे, रहती थी हम अपना दवाई गोली देसी खा लेते थे, पर इस बार हमारा जी बहुत ज्यादा घबरा गया है। इतना डरते भी नहीं मैं, जब जान से सारी बीमारी हो चाहे जो भी हो, जब तक रहना है ना। और क्या, सबको यहाँ पे धरती में ऐसी दुआ है। चेकअप करवाई कोई ज्यादा रुपया नहीं लगे। अरे रुपये पैसे से मतलब नहीं माजी, अभी तो नहीं चलना, फिर चलेंगे। अभी तो लड़की वड़की देख के आए, अब लड़की देखने नहीं आना। अरे यहाँ जाना है, शादी करना है, ऐसा मत बोलना, तुम यहाँ को टेंशन दे देती हो। अगर हम तुम जब भी कह देते हो कि हमको नहीं जाना है शादी नहीं, तुम लोग देखाओ तो हमारा, तुम चलो ना साथ में देखो और बढ़िया से शादी अच्छे से करवाओ और अपना घर देखो, अपनी बहनों को देखो। ये क्या है, छोटे बच्चे हो? छोटा बच्चा हूँ मैं। अरे तेरे से छोटे छोटे की शादी हो रही है बेटा, समय के अनुसार हर चीज होता। चलूंगा तो हाँ। पूरा खा लिया? पूरा खा लिया। पानी पिए कि ना पिए? पानी पियो, खूब पियो। कोई भी चीज खाओ, शरीर में ऐसा रखना चाहिए जैसे पहले वहां से देख के आते हैं, फिर चलेंगे इस बार छतरपुर। आप जो है आप ऐसे काम करते हो ना, मुझे नहीं लगता कि कोई है। इतना तेज तो शरीर को अपने वो करते देते हो। चलेंगे यही से तो शरीर ज्यादा एकदम हाई पावर से गुस्सा हमारे अंदर प्राप्त होता है। बताओ ये कितनी जल्दी चलने आया था अपने यहाँ पे वो करके वो कर पटका। गुस्सा से ही है ये सब, किसी चीज का टेंशन नहीं लिया जाता है। अपने एक काम का सोच लिया जाता है कि ये काम है दिन का, जिंदगी का नहीं माजी। ऐसा कर के सोचा जाता है कि हम एक दिन में ये करेंगे तो जिंदगी भर में कितना हो जाएगा, नुकसान ना हो दिन भर में, बस अपने दिन में नुकसान बस कुछ ना हो। सो माजी आपका क्या है, आपने जितना सोचा होगा उससे ज्यादा तो आपको मिला बैठा है। बढ़िया, शादियां करने की बात है तो देखो हमारी शादी वहां पे इलाहाबाद में चलेंगे देखने। अब क्या हम जानबूझ क्या तोड़ देते हैं क्या? आपको क्या लग रहा था वो पहले वाली शादी वहाँ पे वो तोड़ दी, मना कर दिया, तो वो मैंने जानबूझ क्या मना कर दिया क्या? और फिर ये हो रही है तो ये मना कर रहा हूँ। चलो भाई देखो मेरी चोट लग गया तो मैं रुक गया। ठीक है माँ जी, बढ़िया है, अब ठीक हो जाओ, फिर चलते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद की नगरी में घूमते हैं। बढ़िया, हाँ गंगा जी नहा के आएंगे, अब वहीं सारे पाप कट जाते हैं। कहते हैं कि उनकी झलक भर देखने से तो नहीं, वहीं से आएंगे, चाहे जहाँ से आएंगे गंगा जी के दर्शन करके आएंगे। ठीक है गंगा जी के दर्शन करके आएंगे। वो शादी जो है हम लड़की देखने इलाहाबाद जा रहे हैं, है ना, इलाहाबाद जिला है। और आप अगर कहोगे कि सिटी है तो सिटी नहीं है, जिले में जैसा गांव है हमारा गांव, ऐसा ही एक गांव है। नहीं हम हमारे भाई कुछ भी कह दें पर हमारा दिमाग सनक जाता है भैया, हम सही बता दें कैसा हमारा दिमाग सनक गया तो फिर हमको ना भाई ना भाया ना कोई नहीं। आप माँ जी हो जाता है, मुझे तो लगता है हम झगड़ा किसी से नहीं करते। कोई बात नहीं, थोड़ा ऐसा है कि ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आरती का है। हाँ उसका भी, आरती का परिवार जो है उसको भी भगवान सब ठीक कर देंगे। वो जो है ना वो इंसान सही नहीं है वो। अरे सब ठीक हो जाएगा भैया, अब ये शादी से बंद है कर दिए, इनको कभी बुरा नहीं कहा जाता है, जो भाग में होता है वही मिलता है। और फिर हम बहुत मेहनत करें, चलो और मेहनत करें माँ जी यार, और मेहनत करें क्या थोड़ा सा, क्यों है हम खुद करें क्या, है हम खुद करते हैं। थोड़ा सा उसका मकान रह गया है। नहीं नहीं, आरती के लिए भी थोड़ा सा मेहनत करते हैं ना अलग से। आरती का एक चैनल है यूट्यूब, हम सोच रहे थे आप लोग जाके सपोर्ट करो, चल जाए तो ठीक रहेगा। उसका खुद का अपना
आरती का चैनल है आरती बहन पटेल के नाम से, आप जाके देखिएगा। फिर उसके बाद और घर परिवार में कोई टेंशन प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया है भैया। हमारी शादी का है तो शादी का कोई, अरे तुम्हें माँ जी शादी का कोई टेंशन नहीं। आप सोच रहे हो मैं कितने साल का हूँ, सत्य बताओ वहाँ पे। ये बालों से चेहरे से कपड़े से कुछ नहीं सोचिएगा, हम जो है हम एक अभी लड़के ही हैं, 25 साल की उम्र है हमारी, है ना। बातों से ऐसा रहता है ना कि हमें जानकारी बहुत जगह की है, हम पैदा हुए हैं, उसके बाद 13 से 14 साल की उम्र में मेरी माँ ने एक काम करने के लिए हमें दिल्ली बम्बई भेज दिया। वहाँ पर हमने जो है हमारे हिसाब के काम जितने मिले हमने गलत नहीं किया, अच्छे से काम किए, और गुजरात में भी किया। उसके बाद बाहर के लोगों से भी बातें, हमारी दोस्त हैं इटली दुबई यूरोप बहुत जगह की, मेरी फैमिली है उनसे बात करके हमें सब पता है, उस चीज़ का नॉलेज है। तो इस कारण से हम उस तरह बात समझाते रहते हैं, अपनी माँ तक को समझा देते हैं, तो वो बुरा नहीं मानिएगा। वो मैं क्या करता हूँ, जो चीज़ आपको समझाता हूँ तो वीडियो के जरिए से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लो अपनी फैमिली में इतने लोगों को समझाना चाहिए ऐसे। पर मैं अब लड़का लग रहा हूँ आपका, तो आपको बुरा लग रहा है बस, नहीं गलत नहीं बोलते हैं। जैसे आपको हम हर कभी कभी मना कर देते हैं ना गुटखा, तो चलो हम आपको उस लिए मना नहीं करते, खाते रहो। हम एक संदेश देना चाहते हैं इनको कि ये गुटखा नहीं खाना चाहिए। देखो मैं मना कर रहा हूँ खाते हुए, अगर मना नहीं करूँगा, अगर मैं नहीं आपको बोलूँगा तो वो फैमिली बोल देगी, आपको बुरा नहीं। अगर माँ जी चलो वीडियो में, जब से हमने आपके वीडियो बनाए हैं और हमने कभी ना बोला होता कि मेरी माँ जी गुटखा ना खाओ, तो मेरी जगह मेरी पूरी फैमिली, हमारी जगह पूरी फैमिली बोलने लगती कि ये जो आंटी है ये गुटखा खाती रहती है, मंगल की अम्मा, और मंगल मना भी नहीं करता है, दबा दबा के खिलाता है, ऐसा बोलने लगती। अब मैं मना करता हूँ तो चलो तुम्हारे बेटे को तो मिल रहा है, तो अगर अच्छे से समझोगे सुनोगे करो कि वो उनकी मौसी है, लड़की की मौसी है, सगी मौसी, उनका एक YouTube चैनल भी है। YouTube चैनल किस नाम से आपका? प्रीसा सिंह UP70, ठीक है। वो भाई ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब ठीक है हमारे यहाँ, ठीक है कोई वो ऐसी। पर ऐसा है कि मान लो दर्द उठा था माँ जी को, दिक्कत वाली भी बात है, ले जाएंगे अस्पताल हम दवाई करवाने। हाँ दिखा दीजिए ना, क्या पता वो ठंडा। पांडेपुरवा बड़ा गांव है, काफी बड़ा गांव है, 1500 जनसंख्या है। ठीक है, टॉमी के लिए ऐसी रोटियां रख दी जाती हैं, वो बेचारा यहाँ पे खाता रहता है और बैठा रहता है। मौसी जी आ गई हैं, तुरंत दौड़ के उज्जू भैया को लेके, माँ जी की तबीयत खराब हो गई थी। हमारे गांव में खेरापति का स्थान है मंदिर खिरवैनदाई का, वहां पे माँ जी को लेके जाएंगे थोड़ा देर में, अंतर मंत्र विद्या का कुछ होगा तो पता चल जाएगा। मेरा लगा है पापा जी देवीदाई में, मेरा लगा। मौसी जी जाओगे मेला देखने? माँ जी को भी ले जाओगे? कितना दूर है यहाँ से? थोड़ी दूर है। मेरा बड़ा भाई भोजन कर रहा है, भाजी रोटी, ठीक है भाई। से नंदनी माँ जी की तबीयत ठीक है? अब ठीक है, थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहना। कमेंट आया था कि ये बेदी भी हटवाए, ये माँ जी हटवा दिए जाता है? हटवा देंगे, हमको पता नहीं है, शायद हटवाई जाती हो। हाँ हटवाई जाती है, ये बनी नहीं रह देना चाहिए। कैसे नंदनी अम्मा की तबीयत ठीक है? ठीक है, आ रही है माता जी के पास। माता जी के पास ये वीरा से? हाँ भाई जी, इसमें आई थी वीरा से, छतरपुर में मतलब शादी है, वो वीरा के यहाँ यहाँ से निकल गए। चलो अम्मा है उसमें। माता जी के स्थान से माँ जी और मौसी जी आ गईं। हम कहते नहीं तो हन घंटा खावा।
क्या हुआ वहाँ पर? यह हुआ कि वहाँ पर थोड़ी फेर पटका था। अच्छा सब ठीक है, चित्रकूट नहीं जाना माँ जी? इलाहाबाद जाना है तो वही चित्रकूट देख लेंगे। ठीक ठीक है। कसल्ले आ रही है पढ़कर, वो आ रही है कसल्ले पढ़कर। ठीक है भैया, बाय मौसी। बाय मौसी, चली गई हमारी। ओ हो हो हो, क्या है टॉमी, क्या है खाना दिया है? पता नहीं, बड़ी बड़ी रोटियां रख देती है तोड़ के, एक रोटी की चार किया रख दिया, खा लेगा। सूरज भगवान जा रहे हैं अपने घर, टॉमी को घुमा के हम ले आए हैं, अब जाते हैं सोएंगे। गुड नाइट, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।